मानदंडों को अधिसूचित करने के लिए तैयार रैंकिंग रोकने को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब। पिछले साल अहमदाबाद स्टेट मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग से संबंधित स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। गुजरात सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट से कहा है कि उस शिक्षा संस्थान में रैंकिंग को रोकने रैंकिंग के मामले से जुड़े अधिकारियों पर जवाबदेही तय करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए तैयार है। अदालत ने महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी द्वारा दी गई यूजीसी एमसीआई वर्तमान में एनएमसी और एआईसीटी द्वारा बनाए गए नियमों की प्रतियां रिकॉर्ड में ले ली हैं। मामले से जुड़े आदेश में अदालत ने कहा कि राज प्रतिवादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि सरकारी विनियमें जारी करके गुजरात के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियमों को अधिसूचित करने के लिए तैयार है, जिसमें अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सकती है। पीठ ने मंगलवार को गांधीनगर स्थित गुजरात के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक समलैंगिक छात्र के उत्पीड़न और उसके बैचमेट द्वारा एक महिला छात्र के साथ दुष्कर्म की कथित घटना से संबंधित एक मामले की सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने जीएनएलयू को निर्देश दिया है कि वह छात्रों की शिकायतों के अंतरिम शिकायत समिति के सामने बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या किसी बाहरी दबाव की संभावना के सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का हलफनामा में खुलासा करे। अदालत ने स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक छात्र को केवल उसके समलैंगिक होने के कारण किए गए उत्पीड़न के कारण मानसिक आघात पहुंचा है और एक महिला छात्र ने अपने बैचमेट द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालय का आंतरिक शिकायत समिति मौजूद नहीं था। छात्रों से औपचारिक शिकायत न मिलने के बारे में जीएनएलयू प्रवक्ता की प्रतिक्रिया का हवाला दिया गया है। अदालत के निर्देश के बाद संस्था के एक अंतरिम शिकायत समिति ने गठित हो गई। आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं, अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।